हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे और आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी से आप लोग भी प्रे करिए कि हमारे देश में, दुनिया में जो संकट खड़ा है वो संकट हट जाए और कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिल जाए। तो आप लोग भी माता रानी से प्रे करिए। और मेरा व्रत वगैरह नहीं है, मैं व्रत नहीं रखती हूँ, बट दोनों टाइम मैं पूजा पाठ करती हूँ, सुबह शाम दोनों में माता रानी का पूजा करती हूँ, व्रत नहीं रहती हूँ। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना गाइज कि आप लोग कैसे हो। और आप लोग अपना भी ध्यान रखिए। और चलिए फिर मैं चलती हूँ किचन में। आज मैं आप लोगों के साथ समोसा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो फिर चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ मैं आटा लगा रही हूँ, मैदा है और इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और काला वाला मंगरेला डाला है और थोड़ा सा सॉल्ट। ये सब मिक्स करके मैं अच्छे से इसको खस्ता कर लूँगी और आटा लगा लूँगी इसका। फिर इधर मैंने एक पैन चढ़ा दिया, उसमें मैं आधा प्याज बारीक बारीक काट के इसको भून रही हूँ। और जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तो इधर मैंने आलू को बॉयल करके मैश कर लिया है और इसमें मैंने वही अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूटा है। और अब मैं इसमें जा रही हूँ ऐड करने, इससे ना ये समोसे का मिक्सचर जो है बड़ा बहुत ही स्पाइसी बनता है, इसको डालने से इसका मतलब अलग ही टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए मैं इसको डाल के अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से भून रहा है। और उधर मैंने जो आटा लगाया है उसको भी ढक के रख दिया है। तो ये देखिए इसको मैं इसमें ज़रा सा पानी डाल के डाल दूँगी और इसमें मैं थोड़ा कुछ मसाले ऐड करूँगी। कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच से कम ही, और एक चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच से कम जो है आमचूर पाउडर, ये सब डाल दूँगी। और जो है थोड़ा सा एक चम्मच मैं किचन किंग मसाला भी ऐड करूँगी इसमें। तो ये देखिए मैं किचन किंग मसाला डाल रही हूँ, बाकी और कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। तो ये सब मसाले वगैरह अच्छे से भून लूँगी मैं। और इसमें मैंने उबले हुए जो आलू थे मैश करके ये इसमें डाल रही हूँ और ये सब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, तो नमक भी पड़ गया इसमें। और ये सब अच्छे से मिक्स करके मैं इसका समोसा का ये भरावन तैयार कर लूँगी। ये देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया। बस इसका मसाला सब तैयार हो गया है और लास्ट में मैं इसमें धनिया की पत्ती भी ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखा है। तो बस ये तैयार हो गया। और इसमें मुझे लग रहा था कि नमक थोड़ा कम रहेगा तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाल दिया। तो ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस इसका मिक्सचर तैयार हो गया है। और अब मैं समोसा बनाने के लिए इसको रोटी के जैसा बेल लूँगी, लेकिन ये थोड़ा लंबा ही रहेगा। और ये देखिए इसका मिक्सचर तैयार हो गया, इसमें मैंने धनिया पत्ती भी ऐड कर दिया है। और ये मैं समोसा बनाने के लिए काट लूँगी, इसको थोड़ा लंबा ही बेलेंगे। ये देखिए मैं कैसे बेल रही हूँ, ये देखिए। थोड़ा लंबा रहेगा। और अब मैं इसको चाकू से बीच में से कट कर लूँगी। ये देखिए बीच में से मैंने इसको कट कर लिया।
और ये देखिए, और मैं ना इसमें पानी लगाने के लिए ले रही हूँ ताकि समोसा अच्छे से फोल्ड हो जाए। और यहाँ जो मैंने कट किया है यहाँ मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी ताकि हमारा समोसा खुले ना, अच्छे से पैक हो जाए, मतलब बंद हो जाए। ये देखिए, और फिर इसको मैं ऐसे ही फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए बीच से, ये बीच से ऐसे ही फोल्ड करना है। ये मेरा हाथ आ रहा है, सही से दिख नहीं रहा है। तो ये देखिए फोल्ड हो गया। अब मैं इसमें इसका मिक्सचर तैयार कर जो है उसको भर लूँगी, ऊपर से इसको फिर मैं ऐसे ही बंद कर दूँगी, ऊपर से भी ऐसे ही दबा देना है, फोल्ड कर देना है। फोल्ड नहीं करना है इसको, ऐसे ही दबा देना, चिपका देना है, अच्छे से चिपकाना है ताकि खुले ना। बस ये मेरा समोसा बन के रेडी है। और ये देखिए कितना अच्छा शेप आया है। तो मैं दूसरा वाला भी ऐसे तैयार कर लूँगी, ऐसे ही पानी लगा के, और दोनों ऊपर नीचे ऐसे मुझे फोल्ड करना है। तो ये देखिए तैयार हो गया, इसमें भी मैं ऐसे मिक्सर भर लूँगी। बस हो गया मेरा समोसा तैयार। अब मैं ऐसे ही सारे समोसों को तैयार कर लूँगी, उसके बाद फिर डीप फ्राई करना है। देखिए इसको भी ऐसे ही चिपका देना है। तो मैं ऐसे सारे समोसों को तैयार करके और अब मैं जा रही हूँ डीप फ्राई करने। ये देखिए कितना अच्छा शेप आया, अच्छे से बना है और बहुत ही खस्ता समोसा बना था। आटे में गाइस कोई ज़रूरी नहीं है कि घी ही डालें, रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं हम, लेकिन उसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। और जब हमारे हाथों में बैंडिंग होने लगे ना, बंधने लगे ऐसे आटा, तो समझिए खूब अच्छे से खस्ता हो गया है। तो ये मेरा समोसा बहुत ही खस्ता और टेस्टी बना था, क्योंकि एडिटिंग तो खाने के बाद ही हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को बहुत पसंद आया था। और इसके साथ ही मैं धनिया की पत्ती और टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च को मिक्सी में मैंने पीस के चटनी भी तैयार कर लिया है, जो आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो और इधर मैं एक तरफ चाय चढ़ा रही हूँ। ये देखिए मैं एक तरफ चाय भी रख रही हूँ, दूध का पैकेट मैं खोल रही हूँ। और इधर मेरा समोसा भी बन रहा है, तो बस इधर मैं चाय रख दूँगी दूसरी तरफ। तो गाइज अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आता तो कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस ऐसे ही मैं सारे समोसों को निकाल लूँगी। ये देखिए सारे तैयार हो गए हैं। बस मैं इसे सारे तल लूँगी। बस मेरा हो गया तैयार। और आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए समोसा और चटनी, चटनी मैंने मिक्सी में बनाया है, बहुत टेस्टी चटनी भी बना था। तो आइए गाइज आप लोग भी खा लीजिए, ये प्लेट मैंने आप लोगों के लिए ही लगाया।